चलिए दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं आपको एक नई हेयर स्टाइल में, एक डिफरेंट लुक में, जो कि आपके हेयर, आपके फेस के अकॉर्डिंग आपका हेयर कट किया जाता है। सबसे पहले हम शैम्पू करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग शीट डालेंगे। नेक्रो डालने का मतलब ये होता है कि जब बाल आपके काफ़ी बारीक हो जाते हैं तो आपके जो हमने अपना शीट डाला है तो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम इनका जो ईयर के साइडों वाला हिस्सा है वहाँ पर हम इनके बिल्कुल ही एक नंबर, कहते हैं जैसे एक नंबर मशीन लगाएंगे, तब इसे मिक्स करते जाएंगे। याद रहे कि जब आप मशीन को लगाए ऊपर जाकर स्किन को छोड़ते जाएं, नीचे से स्किन को टच होकर मशीन चलनी चाहिए और ऊपर जाकर स्किन को आउट कर दें, अपनी मशीन को, ट्रिमर को आउट की तरफ लेके जाएं ऊपर जाकर, तो ऐसे आपका जो हेयर कट है वो मिक्स होता जाएगा। तो जब जब आप इसे मिक्स करते जाएंगे तो आपका जो हेयर कट का लुक है, स्टाइल है, शेप है, बहुत ही अच्छा आता जाएगा। जब जब आप उसके बाद जब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बालों को, उसके जो टिप्स होते हैं उसको कस्टमर के इच्छा अनुसार हम उनसे पूछकर काटेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा छोटे हो जाते हैं तो क्लाइंट कहता है कि हमारा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया है, अच्छा नहीं है। लेकिन ये हम इनका जो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट वर्क है, इसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो जब हमारे पास कोई नया स्टूडेंट आता है तो न्यू स्टूडेंट को भी हम क्लाइंट पर काम करवाते हैं। सबसे पहले उनकी क्लास लिखती है कि ऐसे आप बालों को काटें। जैसे जैसे आप बालों को काटते जाएंगे आपको नॉलेज आती जाएगी, तो ठीक है, अब हम उनका ऊपर का हेयर कट काट चुके हैं तो इसकी इनकी अब हम बियर्ड को स्टाइल में बदलने जा रहे हैं ताकि इनके फेस पर अच्छा शूट करे और बहुत ही खूबसूरत आपका फेस लगे। तो सबसे पहले हम नेक की ओर जाएंगे। नेक से हम इसको कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो बियर्ड का ऊपर वाला हिस्सा है, जो मुस्टैचेस के साइड, लेफ्ट और राइट की साइड, उसको ब्रीक करेंगे ताकि आपका जो बियर्ड का स्टाइल है वो अच्छा दिखे। नीचे से जो आपकी चिन से नीचे का एरिया होता है, जो ठोड़ी कहते हैं, तो वहाँ से हम डार्क रखेंगे ताकि वो डार्कनेस दिखे। तो ऊपर से लाइट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो मूछों का स्टाइल है, अगर ऊपर से भी हम आपके बालों को थोड़ा लॉन्ग रखेंगे, बड़ा रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका जो मोस्टैच स्टाइल है, मूछ रखने का शौक है, वो अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। जब आप मूछों की ओर से थोड़ा लाइट कर देंगे तो मूछों की लुक, आउट लुक बहुत अच्छी आती है। तो उसके बाद हम लाइन के फेस पर थोड़ा टैल्कम यानी पाउडर लगाएंगे। पाउडर लगाने के बाद हम इनका हम थ्रेडिंग करने जा रहे हैं। थ्रेडिंग का एक फ़ायदा होता है पाउडर लगाने का, क्या होता है कि जब आप स्किन पर पाउडर लगाते हैं तो आपके स्किन पर थ्रेड का रैशेस नहीं पड़ता। क्या होता है कि जब हम पाउडर टैल्कम नहीं लगाते तो आपकी स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, तो नेक्स्ट जब क्लाइंट आता है तो वो हमें कहता है कि अगर आपने हमारे दागा नहीं लगाना तो कुछ और कीजिए। तो सो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जब आप किसी के भी थ्रेड लगाएंगे तो आप टैल्कम जरूर लगाएंगे कि आपकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर जब थ्रेड चलता है तो वो रैशेस नहीं पाता, आपकी स्किन के अंदर, आपके थ्रेड के अंदर स्किन नहीं आती, ताकि आपकी त्वचा, आपकी स्किन सेफ रहे। तो जब जब आप धागा लगाएंगे इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि क्लाइंट के रेगुलर हाथ लगाते रहना चाहिए, हाथों से, उंगलियों से पुश करना चाहिए जहां पर आपके क्लाइंट के पेन होता है। तो जब आप थ्रेड करें, थ्रेड के ऊपर भी आपको टैल्कम पाउडर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसे शेप दे रहे हैं, अनचाहे बालों को निकाल रहे हैं, आप क्लाइंट की जो लुक है, आपका फेस की खूबसूरती है, उनको निखार रहे हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि
जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका आंसर क्या है। तो जब आप धागा लगाते हैं, सबसे पहले आप बारीक रीलें, बिल्कुल पतली वाला धागा लें, पतला, जो कि आपकी स्किन के ऊपर से जो बारीक बाल होते हैं तो अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो सबसे पहले सख्त धागा नहीं लेना चाहिए। अगर आप धागा लगाने के बाद धागा टूटता है तो उसे छोड़िए, तो क्योंकि आपके बाल जो बड़े हैं, मोटे बाल होते हैं, उनको निकालने के लिए आप प्लकर को यूज़ कर सकते हैं। प्लकर की क्या ऐसी ऑप्शन है, अगर आपके पास अच्छे वाला प्लकर है जिसे हम पंजाबी में मोचना कहते हैं तो उसे आप यूज़ करें ताकि आपके बाल टूटने नहीं चाहिए। तो जब ये काम हो जाए तो देखिए, अब इनका हेयर कट हो चुका है, बियर्ड कट हो चुका है। अब इनको हम थोड़ा क्लासिक, यानी कि आपके चेहरे को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम इनके आउटलाइनिंग करने के लिए रेजर को यूज करेंगे। रेजर यूज करेंगे तब क्या, आपके जो भी बाल स्किन पर बेलोड़े बाल होते हैं, जो कि आपकी स्किन को थोड़ा अच्छी शेप में दिखने नहीं देते, तो हम उनको रेजर के जरिए निकाल देंगे। तो देखिए, जब जब हमें रेजर लगाएंगे तो इनकी आउटलुक निखर कर जाती है। क्या बात है! अगर ऐसा हेयर स्टाइल आप चाहते हैं तो आप सैलून में जाएं, उनको गाइड करें, उनको वीडियो दिखाएं कि ऐसे ऐसे तरीके से काम करें। अगर आप भी खुद करते हैं तो प्लीज़ आप इसे, ठीक है, अगर हम आपको कुछ बता सकते हैं तो ये हमारी खुश नसीबी होगी। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा तो मुझे लगता है कि अब जो इनका हेयर कट हो चुका, बियर्ड कट हो चुका, अब इनकी और लुक को निखारने के लिए हम इनके बालों को ड्रायल करेंगे। ड्रायल तब तक करेंगे जब इनके बालों को अच्छा शेप ना जाए। तो क्लाइंट को सेटिस्फाइड कराने के लिए ड्रायल करना बहुत ज़रूरी होता है। जो जितने भी बाल कटिंग के आपके बालों के बीच रह जाते हैं, उनको निकाल कर आप अच्छी तरह से ड्रायल कीजिए। ड्रायल तब तक कीजिए जब तक आपका हेयर स्टाइल, यानी क्लाइंट का हेयर स्टाइल अच्छा ना हो जाए और अपने आप को खूबसूरत ना लगे और क्लाइंट को खूबसूरत ना लगे। कस्टमर यानी क्लाइंट का फेस इतना अच्छा और खूबसूरत होना चाहिए, वो खुद मिरर में देखकर अपने आप को निहारता रहे और खुश रहे, हमें भी दुआ दे। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सबको मेरा नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल इसके लिए, क्योंकि आपके तक हमारी नोटिफिकेशन